दोस्तों नमस्कार, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का ये परतापुर की लोकेशन है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग एक हफ्ते से कुछ मजदूरों के कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से काम रुका हुआ था। आज यहाँ काम फिर से शुरू हुआ है। उन मजदूरों की स्थिति में सुधार है। लगभग 100 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था, इंजीनियर्स को कहा गया था कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नए मजदूरों को लगाया गया है, कुछ एक्सपर्ट्स को लगाया गया है और ये परतापुर लोकेशन है जहाँ पर इस वक्त काम शुरू हो गया है। मिट्टी डालने का काम शुरू हो चुका है, डंफर लगे हुए हैं, रोलर्स लग गए हैं, तो अब धीरे धीरे काम शुरू किया गया है। धीरे धीरे काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और चूंकि दिसंबर तक की डेडलाइन है इस एक्सप्रेसवे पर काम पूरा करने की और इस बात को नेशनल हाईवे अथॉरिटी समझ रही है कि इस वक्त मेरठ से दिल्ली के बीच जो मेन हाईवे है उसके डिवाइडर पर दोनों तरफ से कवर करके नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाले रैपिड ट्रेन का ट्रैक डेवलप कर रहे हैं। इस वजह से हाईवे पर आवागमन थोड़ा मुश्किल हो गया है, जाम लगना शुरू हो गया है। तो इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे जल्दी से जल्दी चालू हो। शुरुआत में जब ये प्रोजेक्ट प्लान हो रहे थे तब प्लानिंग यही थी कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे रैपिड ट्रेन का काम शुरू होने के पहले चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मई 2020 तक इसको चालू होना था, नहीं हो पाया, काम धीरे धीरे लेट होता चला गया। अब दिसंबर 2020 तक की डेडलाइन रखी गई है और काम की रफ्तार बहुत ही धीमी है। बीच में कोरोना की वजह से बंद हो गया, बारिश का भी असर रहा। अब देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि मिट्टी डालना शुरू किया गया है, रोलर्स लगाए गए हैं इधर, ये आप देख सकते हैं रोलर के जरिए मिट्टी को समतल किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है और काम शुरू हो गया है, मजदूर लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं जेसीबी से डंफर्स में मिट्टी भरी जा रही है और यहाँ काफ़ी भराव होना है इस परतापुर इंटरचेंज पर और यहाँ मिट्टी डालने का काम शुरू हो गया है। रोलर लगाए गए हैं, अभी बहुत शुरुआती काम है, बहुत धीमा है, लेकिन इस वक्त इस इंटरचेंज को कनेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि मेरठ शहर के लोगों को अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए बाईपास से घूम करके आना पड़ रहा है। 4 किलोमीटर का ये फेयर पड़ता है और एक इनसिक्योरिटी भी है, यहाँ ये हाई रिस्क जोन बना हुआ है एक्सीडेंट्स के लिहाज से। तो बहुत प्रेशर है कि बहुत जल्दी से ये जो अंडरपास यहाँ बनाए गए हैं इनको खोला जाए और ट्रैफिक को यहाँ से सीधे अंदर जाने और आने के लिए परमिट किया जाए। आज से ही शुरू हुआ है? आज से हुआ है। क्या लग रहा है कब तक पूरा हो जाएगा? अब देखो जी, इसमें तो टाइम लगेगा। अच्छा, कितने लोग लगे हुए होंगे आज? अभी ऐसे हैं 8-10 लोग हैं जी। अच्छा, अभी लगे हुए हैं। तो अभी कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरत रहे हैं? अपना मास्क लगाते हैं, अपने पास वो है सैनिटाइजर है। अच्छा, ठीक। उन लोगों की स्थिति कैसी है अब जो अस्पताल में भर्ती है? जब उनके तो मेरे को पता नहीं है। ठीक ठीक। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं इसी एक्सप्रेस वे? हो गए 2 साल। 2 साल से इसी पे काम कर रहे हैं। कब तक लग रहा है हो जाएगा काम पूरा? ये करीबन अभी लग जाएंगे 5-6 महीने। 5-6 महीने लग सकते हैं।